हमारा देश धीरे धीरे एक डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है और हाइट ये है, सैड बात ये है कि हम सबको पता भी नहीं है कि हम इस दौर से गुजर रहे हैं और ऐसा होने वाला है। सब गुम है, फोन्स यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, मूवीज़ जा रहे हैं, क्योंकि हमें ये नहीं छूता। ऐसा मत सोचिए, जो चीज़ आज दूसरों के लिए प्रॉब्लम है वो आप लोगों के साथ कभी भी हो सकती है। सो इकट्ठे रहिए, साथ रहिए, हर एक चीज़ को डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए। आप यूथ हैं, सब कहते हैं कि आप फ्यूचर हैं इंडिया का, मैं कहती हूँ कि आप प्रेजेंट भी है इस दुनिया का। आप जैसे सोचोगे, आप जो डिसीजंस लोगे, जो निर्णय लोगे, जिस तरह से आप बिहेव करोगे, उसी तरह ये देश बनेगा। सो आपके कंधों पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। एक सर्वे ने कहा है कि 65% हमारे देश में इज बिटवीन 18 और 35 यूथ हैं, काफ़ी यूथ है। सो आप लोगों को सबको आगे आना है, काम करना है, जिम्मेदारी से काम करना है। In the last few years, this regime has systematically, बहुत सही तरीके से, silenced the brave voices of reason and dissent. उसमें से एक बुलंद आवाज मेरे हस्बैंड की भी है। आज 14 महीने और 1 दिन हो गया, 5 सितंबर को उनको अरेस्ट करके ले गए, कोई रीजन नहीं, कोई नहीं, क्वेश्चनिंग के लिए। किस चीज़ के लिए? 31 साल पुराने केस के लिए। आज तक मैं बेल के लिए घूम रही हूँ, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बेल नहीं मिल रहा। एक अफसर जिसने पूरी ऑनेस्टी से काम किया था, एकदम ईमानदारी से, वो उन्होंने सब कुछ किया, मगर आज संजीव भट्ट और उसका परिवार लड़ रहे हैं। ये क्यों हुआ? थोड़ा पीछे चलते हैं। 2002 गुजरात में बहुत गंदे दंगे हुए थे, हजारों लोग मारे गए, हजारों औरतों के रेप हुए, बच्चों को आग में झोल दिया गया, काफ़ी लोग बेघर हो गए, बहुत बुरा माहौल था, महीनों तक ये चला। My husband was chief of intelligence then in the Gujarat police. हम सब लोग तब चुप रहे, हम सब ने कुछ नहीं किया, आवाज़ नहीं उठाई। उसका आज ये नतीजा है, एक कम्युनिटी के लोगों को उस वक्त एक साइड कर दिया गया था और पूरा गुजरात शांति से देख रहा था। उनको कोई असर नहीं हुआ, वो लोगों की तकलीफ़ का असर नहीं हुआ। आज वही चीज़ कश्मीर में हो रही है, एक स्टेट पूरा एक साइड कर दिया गया है, उनकी हिम्मत बढ़ गई, पहले एक कम्युनिटी, अब एक पूरा स्टेट, और हम आज भी चुप हैं। वो लोग बहादुर होते जा रहे हैं, पावरफुल होते जा रहे हैं, नीडर होते जा रहे हैं, और हम, खुद से प्रश्न कीजिएगा, जवाब अच्छा नहीं आएगा, और अगर अच्छा ना आए तो प्लीज़ कुछ कीजिएगा। दो हज़ार ग्यारह में SIT कॉन्स्टिट्यूट की गई, नानावटी मेहता कमीशन फॉर्म किया गया। मेरे हस्बैंड उस वक्त इंटेलिजेंस ऑफिसर के बेस पे डिपोज करने गए उधर, और 2002 में जो हुआ, जैसा हुआ, वो सच कहा। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसमें किस तरह से आई, बाय डिजाइन और बाय फेलियर और व्हाटएवर, मगर किस तरह ये पूरा माहौल बना, किस तरह ये दंगे हुए, किस तरह इसको कंट्रोल नहीं कर पाए, किस तरह इतने बेगुनाह लोगों की हत्याएं हुई, जान गई। सुबह 11 बजे उन्होंने डिपोज किया, शाम के 5 बजे से उनके सभी केसेस खोल दिए गए। अब एक पुलिस ऑफिसर होता है,
वो रेड्स भी करते हैं, गिरफ्तार भी करते हैं, राइड्स भी कंट्रोल करते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें कर, वो तो उनका काम है। अगर वो हर एक चीज़ का कोई भी बंदा बाहर निकल के कहे कि मुझे पुलिस ने चांटा मारा मैं केस करूँगा, मुझे ये राइड में पकड़ा गया मैं केस करूँगा, और सरकार उसको सपोर्ट करे, ये बात हो गई। आज हम वो 30 साल पुराने केसेस से डील कर रहे हैं। ये एक ऐसा केस है जिसमें कोई प्रूफ नहीं। अडवाणी जी ने यात्रा निकाली थी 30 अक्टूबर 1990 में। उस वक्त मुलायम सिंह ने शायद उनको डिटेन किया था और लालू जी ने गिरफ्तार किया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। और उस वक्त उन्होंने भारत बंद का ऐलान कर दिया, सभी जगह दंगे हुए, राइट्स वर देयर इन द एंटायर कंट्री ऑलमोस्ट। और मेरे हस्बैंड की पहली पोस्टिंग थे, कुछ 24 साल के हुए होंगे वो तब, हार्डली। उन्होंने ना ये किसी रायटियर्स को गिरफ्तार किया है, ना किसी को इंटरोगेट किया है, ना ही किसी की कस्टडी उनके पास थी, उनका तो वो ज्यूरिसडिक्शन भी नहीं था। उनको वहाँ स्पेशल ड्यूटी में खाली ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा गया था। मगर आज 30 साल के बाद जब इन लोगों को संजीव भट्ट चुभने लगे, ये उनका जो डिपोजिशन था, उनकी जो एफिडेविट थी जिनमें उन्होंने माइनॉरिटीज़ की साइड ली थी, वो चुभने लगी, तब उनको परेशान करना शुरू कर दिया। उनके सामने काफ़ी केसेस लगाए गए, हमारी सिक्योरिटी बिल्कुल घर से निकाल दी गई, मेरा आधा घर तोड़ दिया गया जिसमें मैं 23 साल से जी रही हूँ, कहते हुए कि ये इल्लीगल है, पुरखों का घर है मगर फिर भी इल्लीगल है, तोड़ दिया गया। संजीव भट्ट को अरेस्ट कर दिया गया, उनको डिसमिस कर दिया गया, मुझे एक्सीडेंट करवाया। 8-1 महीने पहले मैं और मेरा बेटा जा रहे थे गाड़ी में, ये उनकी एक टिपिकल मॉडस ऑपरेंडी है, इफ़ यू आर विथ अस देन इट्स गुड, इफ यू आर नॉट विथ अस यू आर अगेंस्ट अस, दैट्स इट। तो ये वही केसेस हैं जिसमें सीआईडी क्राइम ने पूरा क्लीन चिट दे दिया था, ये वही केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिए थे जिसमें कुछ भी नहीं था, मगर आज स्टे किया हुआ केस फिर से रीओपन कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। मैं हर जगह जाती हूँ, लोगों से सपोर्ट की उम्मीद करती हूँ, आज भी यहाँ आई हूँ। मुझे पता है आप सब हमारे साथ हैं, आप सब संजीव भट्ट के साथ हैं। मगर सिर्फ साथ होने से या वी सपोर्ट संजीव भट्ट कहने से कुछ नहीं होने वाला। स्ट्रीट्स पे आना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। जैसे कन्नन साहब ने कहा कि खुद के लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए, सिविल लिबर्टीज़ के लिए, खुद की प्राइड के लिए, खुद की सेफ्टी के लिए, खुद की राइट ऑफ प्राइवेसी के लिए अगर हम कुछ भी करते हैं तो वो जायज़ है, तो करना है। जब एक पुलिस ऑफिसर ड्यूटी करता है और देखता है कि कोई लड़की का रेप हो रहा है, तो वो उस वक्त उसको पूछता नहीं है कि तू कौन सी ज्ञाति से है, अगर तू फलां ज्ञाति से है तो रेप होने देते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ देते हैं, ये काम नहीं है उनका। उन्होंने इसी तरह ऑनेस्टली और डिलीजेंटली काम किया, मगर पहले जो चीज़ें की ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ड्यूटी, चापलूसी नहीं करना, ये सब क्वालिफिकेशंस गिने जाते थे टू बी अ गुड ऑफिसर। आजकल शायद ऐसा नहीं है। अगर मेरे हस्बैंड ने उस वक्त कह दिया होता कि मैं भूल गया, याद नहीं क्या हुआ 2002 में, तो हम शायद आज वेनिस में वैकेशन करते होंगे। पुलिस ऑफिसर, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, कभी भी कोई भी जगह तकलीफ होती है तो पहले टच में ऑफिसर आते हैं, पुलिस वाले आते हैं। अगर वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं करेंगे तो ये देश कैसे चलेगा?
हर एक सोसाइटी दे मेक देयर ऑफिसर्स. आप सबका दोष है इसमें, हम सबका दोष है इसमें. हम सब चुप बैठते हैं जब एक ऑफिसर के साथ कुछ होता है, हम कुछ करते नहीं हैं. तो दूसरे अफसर भी यही देखते हैं कि हाँ चलो देखो, कुछ बोलना नहीं है, चुपचाप रहना है, चापलूसी करनी है, वरना हमें प्रॉब्लम हो जाएगी. तो एग्जैक्टली दूसरे ऑफिसर्स ऐसे बन जाते हैं, सोसाइटी बनाती है उनको ऐसे. अगर एक अफसर खड़ा रहता है, बहादुरी से कुछ डिसीजन लेता है और कुछ काम करने की ठानता है और पूरी सोसाइटी साथ हो जाती है, तो वो ऐसा एग्जाम्पल होता है कि नहीं, हम कुछ करेंगे तो हमारे साथ भी ये लोग खड़े रहेंगे. तो हमें ऐसा बनना है तो हम शायद अच्छे अफसर बना पाए. ये लोग जो है एक ऑर्गेनाइज्ड मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं. आप सबको लगेगा तो हम करें क्या, चलो बताओ हमें भी कुछ करना है मगर करें क्या. तो ये बात है कि ये जो एक ऑर्गेनाइज्ड मिस इन्फॉर्मेशन वाली बात है, कोई भी चीज को गलत तरीके से बताना, बताते ही रहना लगातार जब तक कि वो सच ना हो जाए. आप में से सब स्टूडेंट्स हो, पढ़ते हो, पढ़ो, डिटेल में जाओ, देखो कि क्या सच है क्या झूठ है. झूठ लगे उसको बोलताओ, दूसरों को बताओ, अवेयर करो. संजीव भट्ट सबकी आवाज़ थे, बड़ी बुलंद आवाज़ हैं आज भी. वो बेखौफ लिखते हैं, बेखौफ बोलते थे. आज अगर वो थोड़े वक्त के लिए हमारे बीच में नहीं है तो हमें उनकी आवाज़ बनना है, उसी निडरता से, उसी तरह से. हमें ये सरकार को और संजीव भट्ट दोनों को तसल्ली देनी है कि अगर एक संजीव भट्ट को अरेस्ट करोगे तो 1,00,000 संजीव भट्ट खड़े हो जाएंगे. ग्रीड एंड फियर, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड, ये चीज़ों पे ये सरकार चलती है. जैसे कुछ भी उनके पसंद का नहीं हुआ, फटाक से पनिशमेंट. अगर किसी ने भी गलत तरीके से उनका फेवर में किया तो तुरंत रिवॉर्ड. ये बहुत डेंजरस चीज़ें होती है. ये सुनने में जितनी सिंपल लगती है उतनी होती नहीं. इससे पूरा देश हिल गया है, हमारी पूरी संस्थाएं हिल गई है. फिर चाहे वो जुडिशरी हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, इलेक्शन कमीशन, CBI, जो भी हो, सभी ये बेस पे आजकल नाचने लगे हैं, विच इज वेरी डेंजरस. वी हैव टू स्टॉप इट. मेरे हस्बैंड हमेशा कहते हैं कि ये लड़ाई मेरी ही है या मेरे परिवार की ही है, ऐसा नहीं है. ये लड़ाई हम सबकी है. और ये लड़ाई कोई एक दो पॉलिटिशियंस के सामने है वैसी भी नहीं है. दिस बैटल इज अगेंस्ट द आइडियोलॉजी, एक आइडियोलॉजी के खिलाफ है. फिर वो चाहे किसी की भी हो, फासिज्म वाली आइडियोलॉजी नहीं चलेगी. सो वी हैव टू फाइट दैट आइडियोलॉजी इकट्ठे, एक साथ. दिस रेजिम थ्राइव्स ऑन स्ट्रक्चर्ड मिस इन्फॉर्मेशन, फियर एंड वायलेंस. दिस गवर्नमेंट हैज बीन, ये गवर्नमेंट को कोई क्वेश्चन करे वो पसंद नहीं, और ये आंसरेबल तो है ही नहीं. तो हमें ऐसा माहौल करना है जहां हम बेखौफ होकर उनको क्वेश्चंस कर सके कि ऐसा क्यों और ऐसा क्यों नहीं. आज हम लोग सब डर में जी रहे हैं. इसको फोन करे तो डरते, हमारे फोन टैप हो रहे होंगे, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये पहनना चाहिए, इसको मिलना चाहिए, इसको नहीं मिलना चाहिए. अफसर्स डर रहे हैं कि भाई रेड करे तो प्रॉब्लम, रेड ना करे तो प्रॉब्लम, राइट्स करवाएं तो प्रॉब्लम, राइट्स रोके तो प्रॉब्लम, गिरफ्तार करे तो प्रॉब्लम. टोटल स्टेट ऑफ कंफ्यूजन. किसी को पता नहीं है एग्जैक्टली कि चापलूसी के सिवा और क्या करे तो हम ठीक तरह से अपना गुजारा कर सकें.